हेलो दोस्तों, मेरी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है मिट्टी, सॉइल। किसी ने खूब कहा है, सो लाइज इन सॉइल, ओनली यू एंड मी विल मेक द डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, जो मिट्टी रहती है उसमें काफी रिच इंग्रेडिएंट रहते हैं, काफी मिनरल्स रहते हैं, वाटर, एयर और ऑर्गेनिक मैटर्स रहती हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सो इट इज कम्पोज ऑफ वेरी रिच इंग्रेडिएंट। अब दूसरी बात करते हैं, मिट्टी के हमारे को फायदे क्या है। ए, डेफिनेटली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सबको मालूम है, फर्टाइल लैंड होती है और हमें काफी अनाज मिलता है उससे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम लोग लोड बेरिंग टेस्ट करवाते हैं जब भी हमें कोई डीप फाउंडेशन करवानी होती है हाई राइज बिल्डिंग की। जमीन से पानी, सॉइल से पानी लेना हो तो हम लोग रेजिस्टिविटी टेस्ट कराते हैं ताकि हम लोग बोर वेल डिग कर पाए। सो ये तो हमारे हो गए फिजिकल बेनिफिट्स हो गए जो हमें सॉइल से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। अब कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज हैं मिट्टी की जिनसे हम लोग अपनी लाइफ में कई सीख ले सकते हैं। सबसे पहली जो इनहेरेंट क्वालिटी होती है मिट्टी की कि मिट्टी कभी जलती नहीं है। जंगल की आग में भी मिट्टी जलती नहीं है, वो तपती है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है लेकिन कभी जलती नहीं है। दूसरा है, मिट्टी जो रहती है, सॉइल रहती है, वो सिल्ट, क्ले और सैंड का कॉम्पोजिशन होता है और ये बेसिक एलिमेंट रहता है जो बाकी किसी और मैटर्स के साथ मिलके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तीसरा जो मिट्टी की इनहेरेंट क्वालिटी है ये है कि पेशेंस बहुत है, परसेवरेंस बहुत है। बादलों में से बूंदों के आंसू गिरते हैं तब मिट्टी की महक आती है, वो उसके आंसू को अब्सॉर्ब करके कुछ पॉजिटिव चीजें वापस प्रदान करती है नेचर। फिलोसॉफिकल लग रहा होगा लेकिन सच तो सच ही। अगर हम लोग ये देखें कि हम लोग पेशेंस रखें, प्रदर्वेंस रखें और तप करें जैसे मिट्टी करती है और मिलजुल कर हम लोग वी कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन लाइफ। जो लास्ट मिट्टी का जो द बेस्ट पॉइंट इन मिट्टी इज कि हम लोग कितने जुल्म कर लें समटाइम चाहे वो द साइकिल ऑफ द क्रॉप्स समटाइम वी इंक्रीज जो कि हम ब्रीजिंग स्पेस नहीं देते कई बार फील्ड्स में, समटाइम वी ड्रिल लॉट ऑफ लैंड विदाउट एनी रेजिस्टिविटी टेस्ट, वो भी गलत है। समटाइम वी डंप इनऑर्गेनिक मैटर्स, हम लोग कहीं पे ऐश डिस्पोज कर देते हैं, कहीं पिट्स बना लेते हैं। तो ये सारी चीजों को सहने के बाद भी मिट्टी फिर भी हमें अकोमोडेट करती है, फिर भी हमारा वेलकम करती है, क्योंकि जब हमारी ये लाइफ खत्म होती है वो दोनों हाथों से हमारा वेलकम करती है और हम उसी मिट्टी में समा जाते हैं। तो ये सेक्रीफाइस करने वाली क्वालिटी भी हमें मिट्टी से लेनी चाहिए। आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आशा करता हूं कि इन मिट्टी के करेक्टरिस्टिक्स को लेके, अच्छी क्वालिटी को लेके हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी and stay healthy. Thanks. Take care. Thank you.